Hello students, welcome you all. Today my topic of discussion is forest as an independent unit. What does it mean? It means that you have never seen that there is any direct addition of fertilizer or seed in forest. आपने कभी देखा है कि हम जंगल में जाकर के खाद डालते हैं या बीज डालते हैं या इरिगेशन करते हैं? ऐसा नहीं होता, लेकिन फिर भी फॉरेस्ट ऑटोमेटिकली ये ग्रो करता है. सो वी कॉल इट एज इंडिपेंडेंट यूनिट. बट द क्वेश्चन इज व्हाई वी से एंड हाउ इज इट पॉसिबल. सो लेट्स सी टू अंडरस्टैंड दिस दैट हाउ द फॉरेस्ट एक्ट्स एज एन इंडिपेंडेंट यूनिट वी नीड टू नो सम इम्पॉर्टेंट टर्म्स. सो लेट्स स्टार्ट. फर्स्ट थिंग, द कंपोनेंट्स ऑफ फॉरेस्ट. फॉरेस्ट के क्या क्या कंपोनेंट्स हैं? एज द फॉरेस्ट इज ऑल्सो एन एग्जाम्पल ऑफ स्मॉल इकोसिस्टम. और हमें पता है इकोसिस्टम के दो कंपोनेंट्स होते हैं, एक होता है बायोटिक कंपोनेंट और एक होता है एबायोटिक. एग्जैक्टली इन सेम वे फॉर द फॉरेस्ट इट इज ऑल्सो हैविंग टू कंपोनेंट्स, बायोटिक कंपोनेंट्स एंड एबायोटिक कंपोनेंट्स. बायोटिक कंपोनेंट्स मीन्स इट इंक्लूड ऑल द लिविंग ऑर्गेनिजम्स लाइक प्लांट्स, एनिमल्स, ऑल द माइक्रो ऑर्गेनिजम्स. लेट मी गिव सम एग्जाम्पल्स, ट्रीज, श्रब्स, ग्रासेस एज ए प्लांट्स एंड देन द योर एनिमल्स, मैमल्स, बर्ड्स, रेप्टाइल्स, एम्फीबियंस, माइक्रो ऑर्गेनिजम्स, ऑल द बैक्टीरियाज विच हेल्प इन डिकम्पोजिशन. सो दीज ऑल कम अंडर द बायोटिक कंपोनेंट्स. नाउ द एबायोटिक कंपोनेंट्स, इट इंक्लूड्स ऑल द नॉन लिविंग कंपोनेंट्स ऑफ फॉरेस्ट लाइक सॉयल, वाटर, minerals. Okay, now the thing is that the most important thing is that these two components, living and non-living components of the forest, interact with each other. ये पूरे system को बनाने के लिए आपस में interact करते हैं. Now the second thing, तो आपका component of forest का concept clear है कि ये दो कंपोनेंट्स हैं और दोनों इंडिपेंडेंट नहीं हैं, दोनों एक दूसरे से इंटरेक्ट करते रहते हैं डायरेक्टली और इनडायरेक्टली. नाउ द सेकेंड थिंग, लाइफ इन फॉरेस्ट, कैसे लाइफ सर्वाइव करती है, मींस लिविंग ऑर्गेनिजम्स कैसे सर्वाइव करते हैं. तो फॉर दिस वी हैव टू गो इन फ्लैशबैक. हमने पहले भी पढ़ा है कि लिविंग ऑर्गेनिज्म अगर हम मोड ऑफ न्यूट्रिशन के बेस पे डिवाइड करें तो वी गेट इट इन थ्री टाइप्स, ऑटोट्रॉपिक न्यूट्रिशन, हेटरोट्रॉप्स एंड सेप्टोट्रॉप्स. तो जो आपके लिविंग ऑर्गेनिजम्स होते हैं तीन होते हैं, ऑटोट्रॉप्स जिसमें आपके सारे ग्रीन प्लांट्स आ जाते हैं जो कि फोटोसिंथेसिस करते हैं और फूड बनाते हैं, मींस दे मेक देयर ओन फूड. देन द हेटरोट्रॉप्स दे डिपेंड्स अपॉन द अनदर ऑर्गेनिज्म फॉर देयर न्यूट्रिशन. देन सेप्टोट्रॉप दे आर द डिकम्पोजर्स, दे डिपेंड्स और दे फीड्स अपॉन द डेड एंड डिकेइंग ऑर्गेनिज्म. यहाँ तक का कॉन्सेप्ट क्लियर है. Then if we see that heterotrophs, we again classify as the herbivores, carnivores and omnivores. Herbivores जो green grasses and directly plants को as a food लेते हैं. Then carnivores वो होते हैं जो दूसरे organisms को खाते हैं. और omnivores क्या होते हैं? जो सबको, ठीक है. Omni means all. एंड दी नाउ यू कैन सी, इस चीज़ को हमने पहले भी डिस्कस किया है कि ऑल द लिविंग ऑर्गेनिजम्स, बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है ये, ऑल द लिविंग ऑर्गेनिजम्स ऑन अर्थ डिपेंडेंट अपॉन प्लांट्स फॉर देयर फूड डायरेक्टली और इनडायरेक्टली. यहाँ तक का कॉन्सेप्ट क्लियर है. अब लाइफ इन फॉरेस्ट की जो मैं बात कर रही हूँ, वॉट इज दिस, देयर इज अ टू टर्म्स कम इन माइंड. फर्स्ट इट इज़ फूड चेन एंड द सेकेंड इज फूड वेब. तो फूड चेन क्या होती है? लाइक जैसे एक हर्बीवोर है, प्लांट ऑटोट्रॉपिक होते हैं, उन्होंने फोटोसिंथेसिस की, देन इट वॉज ईटन बाई और कंज्यूम बाई हर्बीवोर्स. कोई भी हर्बीवोर हो गया, उसने कंज्यूम किया एंड देन इन टर्न्स इट वॉज दिस हर्बीवोर ईटन बाई कॉर्निवोर्स. तो एक चेन जैसे क्रिएट हो रही है. दिस इज नोन एज फूड चेन्स, means it is a sequence of who eats whom. Okay, who eats whom. Like example, आपके सामने की picture दी हुई है, grass. Grass को किसने खाया? Rabbit. And rabbit को किसने खाया? Snake ने. It was a simple or a very common example of food chain. But थोड़ा और complex हम जाते हैं तो हम देखते हैं कि these food chains are interlinked with each other.
जो नेचर में ये जो फूड चेन्स होती हैं, जो अलग अलग हम एक लाइन केवल देख रहे हैं, ये आपस में इंटरलिंक होती हैं, और बाद में जब ये इंटरलिंक होती हैं तो ये एक वेब लाइक स्ट्रक्चर बनाती हैं, एंड दिस इज़ नोन एज फूड वेब। ओके, और ये फूड वेब, मैंने कहा कि इस फूड वेब का मतलब क्या, इट शोज दैट द फूड चेन्स आर इंटरलिंक, डिफरेंट फूड चेन्स आर इंटरलिंक विद ईच अदर। व्हाट डज इट मीन? इट मीन्स दैट इफ एनी कंपोनेंट फ्रॉम दिस फूड लिंक इज रिमूव्ड, अगर कोई भी एक कंपोनेंट हमने हटा दिया, व्हाट विल हैपन, द रेस्ट ऑफ द चेन विल गेट अफेक्टेड। लाइक चलो एक एग्जाम्पल लेके चलते हैं, इफ प्लांट्स आर रिमूव्ड, अगर प्लांट्स को हमने हटा दिया, व्हाट विल हैपन, हर्बीवोर्स विल डाई। हर्बीवोर्स नहीं रहेंगे तो क्या होगा, इन हर्बीवोर्स को जो खाते थे कॉर्निवोर्स, उनके लिए फूड स्कैर्सिटी हो जाएगी, ऑटोमेटिकली सब एक दूसरे पे डिपेंडेंट थे और सबकी डेथ होना शुरू हो जाएगी। चलिए सेकेंड एग्जाम्पल देखते हैं, इफ वी रिमूव डिकम्पोजर्स। ओके, डिकम्पोजर्स लाइक बैक्टीरिया जो कि ब्रेकडाउन में रिसाइकिलिंग में काम करते हैं, जो न्यूट्रिएंट्स होते हैं उनकी रिसाइकिलिंग करते हैं। By how they do the decomposition means they break down the dead organic and the जो living organism होते हैं उनका जो dead parts होते हैं उनको उनका breakdown करके, by this they enables the nutrient, enabling the nutrient cycles to begin all over again. So nutrient cycle stop हो जाएगी जैसे decomposers को हमने remove किया, और फिर सॉयल में ये न्यूट्रिएंट्स नहीं जाएंगे। व्हाट डज इट मीन, सॉयल वुड बिकम द डिफिशियंट इन न्यूट्रिएंट, एंड जैसे ही सॉयल न्यूट्रिएंट्स डिफिशियंट हुई, इट वुड नॉट बी एबल टू सपोर्ट प्लांट लाइफ, प्लांट नहीं ग्रो करेंगे, तो अगेन हर्बीवोर्स कार्निवोर्स विल बी अफेक्टेड। नाउ यू कैन सी दैट एवरी थिंग इज, या एवरी ऑर्गेनिज्म, एवरी कंपोनेंट आई शुड से, आर डिपेंडेंट अपॉन ईच अदर, बट स्टिल वी से दैट forest is an independent unit, means there is no direct addition of fertilizer, seed, food, water for animals, हम कुछ भी नहीं करते हैं, लेकिन फिर भी ये काम करता रहता है, ये grow करता रहता है। How is it possible? Actually क्या होता है, within the forest material move in continuous nutrient cycle along a food chain, देखिए क्या क्या चीज़ें होती हैं, along a food chain and through food web that goes from plant to plant eaters means herbivores, then to meat eaters means carnivores, and then to decomposers and again back to the plants. The term food web, अब हम कह सकते हैं कि ये जो food web थी जो कि सारे food chain को एक साथ लेके चल रही है, आप कह सकते हैं जो कि interlink है, तो food web is better description for forest than the food chain, you can say. So ये एक वे था कि चूँकि यहाँ पर फूड वेब हैं और ये ऑटोमेटिकली न्यूट्रिएंट साइकिल हो रही है, चीज़ें बन रही हैं, चल रही हैं, ख़त्म हो रही हैं और दोबारा से बन रही हैं, क्यों, क्योंकि साइकिलिंग हो रही है बिकॉज ऑफ दैट डीकम्पोजर्स, और डीकम्पोजर्स बहुत बहुत और बहुत बड़ा रोल प्ले करते हैं इन दिस, दे आर स्पेशली इम्पॉर्टेंट मेम्बर्स ऑफ द फूड चेन एंड फूड वेब इन द फॉरेस्ट हैबिटेट। Their role is to break down the rough woody fibers of trees, thus enabling the nutrient cycles to begin all over again. So we can say how important these decomposers are, and we could understand that this forest is able to function as an independent unit. So it was a very little class, but it was very important that how can we describe that this forest acts as an independent unit. So, thank you very much, students. Stay healthy, stay safe, stay motivated.